हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का थर्ड यूनिट सेकेंड यूनिट का थर्ड सेशन कर रहे हैं। ये है इन्वेंटरी कंट्रोल यानी कि स्टॉक नियंत्रण। स्टॉक नियंत्रण क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी इन्वेंटरी है या स्टॉक है वो नियंत्रण में रहे, ना तो बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम हो। कम होगा तो जरूरतें पूरी नहीं होंगी, काम में रुकावट होगी, और अधिक होगा तो लागतें बढ़ जाएंगी। तो स्टॉक को नियंत्रित करना जरूरी है। तो अगर कम मात्रा में स्टॉक है तो उसको हम आसानी से गिन सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। परंतु बड़ी बड़ी कंपनीज स्टोर जहां पे स्टॉक बहुत अधिक मात्रा में होता है, वहां पर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम एक कंप्यूटर के द्वारा चलाया जाता है, जिससे कि स्टॉक को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें अधिकतर बार कोड तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो अब एक जो स्टॉक कंट्रोल एसोसिएट है यानी कि स्टॉक नियंत्रण एसोसिएट, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? सबसे पहला है सिस्टम को सही तरीके से बनाए रखना। तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो यह देखे कि जो स्टॉक नियंत्रण का सिस्टम है वो सही तरीके से चले। अगर उसमें कोई कमी कोई खराबी है तो उसे तुरंत ठीक करना। नेक्स्ट, कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करना तथा देखना कि काम सही तरीके से हो। उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वह अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करें और यह जांच करें कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है समस्या का पता लगाना तथा कारण जानने की कोशिश करना। अगर स्टॉक में कहीं कोई कमी या अधिकता है, कोई भी समस्या है, तो उसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है जरूरत के अनुसार सिस्टम में बदलाव करना। अगर कहीं भी जरूरत पड़े, कोई भी समस्या आए, तो हम अपनी जरूरतों के अनुसार जो ये स्टॉक नियंत्रण का सिस्टम है उसमें हम अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। तो सिस्टम में बदलाव करना। नेक्स्ट है वस्तुओं की एक्सपायरी डेट की समय समय पर जांच करना। जो वस्तुएं स्टॉक में रखी गई हैं उनकी जांच करना। अगर कोई वस्तु एक्सपायर है, जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, उनको स्टॉक से बाहर निकालना। एक्सपायर या जो अंतिम तिथि के बाद वस्तुओं का स्टॉक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वस्तुओं की गिनती करना। जो एसोसिएट है उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पर वस्तुओं की गिनती करे कि स्टॉक में कहीं कोई कमी तो नहीं है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड बनाना। वो स्टॉक से संबंधित सारा रिकॉर्ड बनाकर रखता है कि कितना स्टॉक है, कितना हमने प्राप्त किया और कितना बेचा। नेक्स्ट है ऐसे स्थान पर स्टॉक करना जहाँ से वस्तुएं लेना आसान हो। जो स्टॉक एसोसिएट है, नियंत्रण एसोसिएट है, वो क्या करता है, वस्तुओं का स्टॉक ध्यान रखता है कि वस्तुओं का स्टॉक इस प्रकार के स्थान पर किया जाए जहां से वस्तुएं लेना आसान हो, वस्तुएं उठाना आसान हो। जैसे कि अगर हमारा स्टोर का जहां है हमारा स्टॉक उससे बहुत अधिक दूरी पर है, तो क्या होगा, वहां से गोदाम से लेने जाने में हमें बहुत अधिक समय और लागत लगेगी। तो ऐसे स्थान पर स्टॉक रखना जहां से वस्तुएं लाना ले जाना आसान हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा इन्वेंटरी कंट्रोल। थैंक यू।